हेलो फ्रेंड, स्टडी मेक शॉर्ट में आपका स्वागत है। फिर से हम आपके पास वीकली करेंट अफेयर के नए सेशन के साथ, जिसमें 21 से लेकर 28 जनवरी तक के सारे करेंट अफेयर कवर किए गए हैं। करेंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये ऑनलाइन और करेंट अफेयर है जो कि सारे एग्जाम के लिए है, बैंक, SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, BPSC, और ये खास बिहार के एग्जाम को कवर करती है। तो चलिए आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे इस सेशन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय न्यूज पे आते हैं। जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है। नीति आयोग का एम, CBSE और इंटेल इंडिया मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। ICICI बैंक को 83.12 करोड़ का शुद्ध लाभ मिला है, ये 22-23 की तिमाही का मुनाफा है। देश में रिकॉर्ड 5 लाख टन से अधिक गन्ने का उत्पादन। परमवीर चक्र विजेता के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। मिसाइलों से लेस पनडुब्बी बागी नौसेना में शामिल हो चुकी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की सर्विकल कैंसर की देश में निर्मित पहली वैक्सीन। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए पहली देश में निर्मित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। भारत ने बनाया अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम VAR OS। और 26 जनवरी 2023 देश से 74वां गणतंत्र मनाया। और राष्ट्रीय मेहमान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी रहे। और 109 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फुल एक वीडियो बना हुआ, उसका डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लें 109 लोगों को पुरस्कार के बारे में। और UN ने वैश्विक अर्थव्यवस्था संभावनाओं पर जारी रिपोर्ट, अगले वर्ष 6.2% रहेगी भारत का विकास दर। पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया। भारत में शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट लागू। T+1 शेयर बेचने पर कारोबारी दिन के एक ही दिन के बाद पैसा मिल जाएगा। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में पहली इंट्रानेजल COVID-19 इंक्वावेक लॉन्च की गई। फोर्ब्स की लिस्ट में 4वें से 7वें स्थान पर खिसके गौतम अडवाणी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, गौतम जो कि बिजनेसमैन है, जल जीवन मिशन के तहत 111 करोड़ घरों को मिल रहा है जल से नल। वे वृद्ध तेलुगु अभिनेत्रा जे जमुना का 86 वर्ष में निधन। अंतरराष्ट्रीय पे आते हैं। भारत प्रथम भारत में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन राजस्थान में जारी। साउथ अफ्रीका से भारत आएंगे 100 से ज्यादा चीते। कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का वैश्वीकरण करेगा। भारत और जापान ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया। चलती कार में सीट बेल्ट हटाने को लेकर ब्रिटेन की पुलिस ने PM TC सुनक पर 100 पाउंड का जुर्माना लगाया। न्यूजीलैंड के PM जेनिडा अर्दन के इस्तीफे के बाद क्रिस हैपकिंग नए PM बनेंगे। कैप्टन हरप्रीत चांडी ने दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका पर अकेले 1357 किमी यात्रा करने वाली पहली महिला बनी। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने क्रिस हैपकिन। पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने सी फ्रीडम द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया। राज्य पे आते हैं। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के लिए 11 करोड़ रुपए की मंजूरी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नया स्मार्ट कार्ड जारी किया, जिसमें G20 का लोगो लगा हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित होगा एयरो इंडिया 2023। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड के कोहिमा में मनाया गया। नियुक्ति पाते नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधन के रूप में पदभार ग्रहण किया। वेदांता किरण ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख बने वॉकर। और WPL की 5 टीमों में 86.17 करोड़ में बिकी। महिला प्रीमियर लीग की 5 टीमें 4669.99 करोड़ में बिकी। ICICI का वर्ष सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की। 28 जनवरी गोपनीयता दिवस। साथ ही हम आपको बता दें,
हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आज का सेशन के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।